Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूँ Terra Luna 2.0 और Terra Classic के बारे में. आप लोग सबसे पहले Terra Classic का अपडेट सुने. लास्ट 24 आवर के अंदर Terra Classic 0.97% डाउन है और इस टाइम पर INR में डॉट के बाद 20 के साथ 45 की सीरीज में चल रहा है. अगर आप लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करो तो लास्ट 24 आवर के अंदर 1.49% की ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुई है और कहीं ना कहीं पर थोड़े बहुत पर्सन ने Terra Classic को भी सेल किया है, क्योंकि ओवरऑल जो इसकी मार्केट कैप है वो लगभग 1% डाउन आई है. तो कहीं ना कहीं पर क्रिप्टो मार्केट का ये अंदेशा है कि Terra Classic को अब लोग थोड़ा बहुत करके सेल करना स्टार्ट हो चुके हैं. दोस्तों, आज आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं. Terra Classic एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है और इसी के कंपैरेटिवली अगर आप लोग डोजिलो और मार्स की बात करो, जो एक मीम क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, उसका ग्लोबल रैंक पहुंच चुका है 123 और Terra Classic का आज ओवरऑल रैंक है 216. कमाल देखिए दोस्तों 16 रैंक वाला क्वाइन 20 पे खड़ा है INR में और 40 वाला क्वाइन जो है वो 123 रैंक पर पहुंच चुका है. मतलब कहीं ना कहीं पर आज एक इकोसिस्टम की भी बात ना की जाए तो मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर के टोकन भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से आगे निकल रहे हैं. अगर आप लोग रैंक की बात करें, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, दोस्तों आप भी जानते हो मई में जो Terra Luna का स्कैम हुआ, जिसके बाद फाइनली Terra Luna और Terra Classic दो अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बना दिए गए. Terra Luna 2.0 जिसका ग्लोबल रैंक 228 बना हुआ है लास्ट 24 आवर के अंदर लगभग 1.18% अप के साथ 153 रुपए का बना हुआ है. Terra Luna ऑर्गेनाइजेशन और Terra कम्युनिटी के ऊपर टाइम टू टाइम जो इन्वेस्टर्स फंडर्स हैं होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगाए हैं. तो Terra Luna कम्युनिटी ने आज अपने सारे ऑब्लिगेशंस का आंसर भी दिया है और कहीं ना कहीं पर यह चीज प्रूफ की है कि Terra Luna फाउंडेशन में जो ऑलरेडी पहले हो चुका है उसमें Terra कम्युनिटी ने कोई भी स्कैम नहीं किया. वो सीरियसली एक ब्लॉकचेन होल्ड था जिसकी वजह से जो ओवरऑल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को होल्डर्स को प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए Terra कम्युनिटी लगातार अपने ट्विटर प्रोफाइल से अपने होल्डर्स को विश्वास दिला रही है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा. हम लोग टाइम टू टाइम अपनी सेल्फ ऑर्गेनाइज मनी भी अरेंज कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा Terra Luna 2.0 में देखने को मिले तो जितने भी होल्डर्स हों, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एयर ड्रॉप की हेल्प से पूरा का पूरा पैसा रिटर्न किया जाए. तो देखिए दोस्तों, Terra Luna के ऑफिशियल ट्विटर प्रोफाइल पर आप देखें एक प्रॉपर थ्रेड शेयर किया गया है. Terra Watcher ऑफिशियल ट्विटर प्रोफाइल पर यह थ्रेड आया है, इसी को Terra Luna ऑफिशियल ट्विटर प्रोफाइल ने रीट्वीट किया. इस थ्रेड में 9 ट्वीट अलग अलग किए गए हैं और हर ट्वीट के अंदर एक एक ऑब्लिगेशन का आंसर दिया गया है. अब देखिए, Terra Luna 2.0 पर सबसे पहला ऑब्लिगेशन था जो ये फंडिंग हो रही है. ये फंडिंग का क्या मतलब है? मतलब जो ऑलरेडी Terra Luna स्कैम कर चुका है अब लोगों का ट्रस्ट नहीं बन रहा. तो कहीं ना कहीं पर Terra Luna फाउंडेशन ने यह क्लियर किया कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि Terra Luna फाउंडेशन बिल्कुल डेड हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है. Terra में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा पोटेंशियल है. अब देखिए दूसरा थ्रेड, बहुत सारे लोगों ने समझा Terra Luna स्कैम है, इवन मैं खुद भी हूं जिसको लगा था कि Terra Luna स्कैम है. और सच में जब तक ये चीज प्रूफ नहीं हो जाती है ऑफिशियल ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला. लेकिन इन्होंने देखिए आंसर किस तरीके से दिया. इन्होंने लिखा, मैनी थिंक Terra इज अ स्कैम, मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं Terra स्कैम है, लेकिन एक्सचेंजेस ने उनकी स्टेटमेंट को डिसएग्री किया. आज आप देखें तो Terra Luna दोबारा से बहुत पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुका है. अब कहीं ना कहीं पर यहां दो बातें हैं, या तो एक्सचेंजेस जो हैं वो अपने इन्वेस्टर और होल्डर के फेवर में ही नहीं है, या फिर दूसरी बात है एक्सचेंजेस को सच में ये फील हुआ है या एक्सचेंजेस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया है कि Terra Luna में सच में ब्लॉकचेन होल्ड हुआ था जो स्कैम नहीं है बार बार जो बोला जा रहा है. इसलिए एक्सचेंजेस ने इस प्रॉपर स्टेटमेंट को डिसएग्री करते हुए Terra Luna 2.0 को वापसी से रजिस्टर कर लिया और आज आप लोगों को Terra Luna 2.0 वर्ल्ड की पॉपुलर एक्सचेंजेस में एक बार फिर से देखने को मिल चुका है. आप सब लोग जानते हो Binance पे आ चुका है, KU Coin पर आ चुका है, हुवेई ग्लोबल, Gate.io, Bybit, Kraken सबके ऊपर इस टाइम पर Terra Luna 2.0 जो है वो लिस्ट हो चुका है. तो तीसरा, मैनी थिंक Terra कैन फंड इटसेल्फ विदाउट VCs. मतलब कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टर्स का यह भी एक ऑब्लिगेशन था कि Terra Luna फाउंडेशन खुद फंड अरेंज नहीं करती है. तो Terra Luna ने इसके भी अगेंस्ट में एक आंसर दिया और Terra Luna ने बोला कि हमारे पास $600 million का कम्युनिटी पूल है, बट हाँ ये सारा का सारा एक इलिक्विड है इसीलिए शायद लोगों को ऐसा लग रहा है. लेकिन Luna के जो डेवलपर टीम्स है या Luna के जो बड़े फंडर्स हैं उन्होंने प्रॉपर Terra Luna के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है. तो Terra Luna के अगेंस्ट में जो इन्वेस्टर का विदाउट VCs, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि Terra Luna खुद का फंड अरेंज नहीं कर पाएगी, तो Terra Luna ने इस ऑब्लिगेशन को भी
अगेंस्ट कर दिया, बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। फोर्थ सुनिए, मैनी थिंक टेरा हैज नो यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। बहुत सारे लोग ये समझ भी रहे होंगे कि टेरा लूना की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, तो टेरा लूना ने इसको भी क्लियर किया है कि हमारी वैल्यू आज भी है। आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो टेरा लूना फाउंडेशन, टेरा लूना के इकोसिस्टम पर डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, और लूना को एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं पर एक बेस्ट टू क्रिप्टो टोकन बनाने के लिए पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो डेडिकेटली काम कर रही है। इसके बाद देखिए अगला जो एप्लीकेशन था, मैनी थिंक टेरा कांट कंपीट विद अदर चेन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी लगी कि टेरा लूना जो फाउंडेशन है या टेरा लूना जो ब्लॉकचेन है वो दूसरी अब चेन्स के साथ दोबारा से कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। तो टेरा लूना ने इसके अंदर भी एक आपको आंसर दिया है, उन्होंने बोला है बहुत टॉप टायर प्रोटोकॉल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेरा लूना के चेन पर लिस्ट हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। तो टेरा लूना आप लोगों को फिर से एक बार उसी तरीके की ब्लॉकचेन, उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट बनकर दिखाएगा। बस आपको कुछ टाइम वेट करनी है, प्रॉपर जो टोटल वैल्यू निकाली गई है उसको लॉक कर दिया गया है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है, इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टेरा लूना के इकोसिस्टम पर लॉन्च किया जा रहा है। अगला सुनिए, मैनी थिंक डूनोन विल गो टू जेल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डूनोन है टेरा लूना के फाउंडर उनको जेल जाना चाहिए, बट यहां पर इनका आंसर देखिए, टेरा वाज डिसेंट्रलाइज्ड एंड ग्लोबल, टू मच रेड टेप टू प्रॉपर प्रोसिक्यूट अ केस, एंड डू वाज नॉट स्कैमर एनी वे, जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट। कमाल देखिए, आज इन्होंने इतनी सी बात में सारी बात खत्म कर दी कि टेरा लूना के फाउंडर जो है वो स्कैमर नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डूनो जो टेरा के फाउंडर है उन्हें जेल जाना चाहिए। सेवन सुनिए, मैनी थिंक सेंटीमेंट इज टू बैड टू एवर रिकवर। मतलब कहीं ना कहीं पर ये जो सेंटिमेंटल बातें हैं इसको क्यों किया जा रहा है, इससे लोगों के पैसे की रिकवरी का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। तो सिर्फ सेंटिमेंट कमेंट करके, सेंटिमेंट चीजें लिखकर प्रॉपर पैसे की रिकवरी नहीं हो सकती है। पैसे की रिकवरी करने के लिए इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। इकोसिस्टम में जब तक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तब तक प्रोजेक्ट स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो टेरा लूना ने इसको पूरा रिस्टोर करने की, पूरा का पूरा वर्क डेडिकेटली करने की प्रॉपर ट्वीट कर दी है। अब यहां पर एक और चीज सुनिए, लुक आई एम नॉट क्रेजी एंड आई एम नॉट अ स्टेज ऑफ ग्रीफ कॉज टेरा इज नॉट अ डेट। बिल्कुल सिंपल आंसर दिया है कि टेरा लूना की जो टीम है वो पागल नहीं है, वो क्रेजी नहीं है, वो टाइम टू टाइम एफर्ट्स कर रही है और टेरा लूना अभी डेड नहीं हुआ है। और नाइन्थ में टेरा लूना ने एक प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ एट द एंड ऑफ द डे टेरा लूना ने ये क्लियर कर दिया कि हम अपने इकोसिस्टम को एक बार फिर से डेडिकेटली बड़ा बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और टेरा लूना फाउंडेशन पर जितने भी ऑब्लिगेशन लगे हैं वो सारे ऑब्लिगेशन गलत हैं। सो अब दोस्तों टेरा लूना का फ्यूचर क्या होने वाला है ये अभी बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन टेरा लूना फाउंडेशन हो सकता है कि सिर्फ इस सेंटीमेंट बातों से लोगों का दोबारा से ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीतना चाह रही है, या सच में ब्लॉकचेन में जो होल्ट हुआ वो कहीं ना कहीं पर स्कैम नहीं था। बातें दोनों हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन अगर टेरा लूना ने टेरा लूना 2.0 पर डेडिकेटली काम किया और टेरा क्लासिक की बर्निंग पर फोकस किया तो हमारा पैसा जल्द रिकवर होने के चांस तो कहीं ना कहीं पर टेरा लूना से बन जाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल अपडेट फॉर टुडे, स्पेशली फॉर टेरा लूना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।